तुम्हें मिला था ये आखिरी बार? जी सर, मुझे ही मिला था। फिर तो तुझे बताया योगा के? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम मुझे कुछ नहीं पता। तो मरने से पहले तेरे पास क्या आया था? जी वो पीछे हटो थोड़ा। जी वो बात करने आया था। तो बात बताना, घंटा तो ना बना। सर सर, ये एक सिम कार्ड है, रिकॉर्ड निकलवा जरा इसका। तू बोलेगा या तुझे लेटर लिखना पड़ेगा? तकरीबन 2 घंटे पहले उससे मिलने आया था। देखो मैं, देखो तुम खामखा इज्जत कर रहे हो। खामखा? हाँ, हम सिर्फ दोस्त थे, नॉट मोर देन। सो प्लीज, मैं तो यही होगा कि हम इस किस्से को यही खत्म कर दें। हेलो चारो, मुझे मिलो यार प्लीज। हाँ बोल, यहाँ क्यों बुलाया है? यार मैं पहले दिन से उसके साथ सीरियस था, लव यू टू भी बोलती थी। एग्जैक्टली, मेरा भी यही सीन था। वो जो कहती थी मैं करता था, उसकी हर बात मानता था, उसके लिए मैंने अपनी स्टडी का लॉस किया, गेम्स छोड़ दी दोस्तों। यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। मुझे देख, ये सब मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने उसे शोध तक नहीं होने दिया कि मैं उसके बगैर मर जाऊँगा या मैं दोस्तों के सामने जाके रोया हूँ। खैरियत तो है ना, आज तू कुछ परेशान नजर आ रहा है। यार मैंने उसको खुश रखने की हर तरह से कोशिश की, उसकी हर बात मानी, उसकी हाँ में हाँ मिलाई, पर फिर भी उसको पता नहीं क्या मसला है यार। और आखिर में देखो, उसके काम के लिए मैं अपना काम छोड़ देता था यार। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ यार, बंद गली में आ गया। क्यों बंद गली में आ गया यार? वो तुम्हारी है, उसे तुम्हें मिलना होगा। कैसे यार, कैसे? फिक्र ही ना कर यार, हर स्कीम लगा देंगे। तू सच कह रहे ना यार? एकदम सच। तू देखता जा, अब हम करते क्या है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। शायद होना तो कुछ भी नहीं, पर मैंने अपने दोस्त को हौसला ज़रूर दे दिया है। हम 2 साल से साथ थे, उसने 2 सेकंड ही लगाए बाय कहने में यार। यार मैं, जब उसने तेरे भाई को बाय कहा ना, तेरा भाई मर्द की तरह रहा। तेरा भाई बोला जाती है तो जा, लड़कियों की कमी है क्या? मर्द बना करो यार, तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं है। मुझसे कुछ सीख यार। अच्छा ओके भाई, मैं चलता हूँ, घर सामान देना है। हिम्मत कर, कुछ नहीं होता, ये सब फजूल है। वह ज़हनी तज़ब्ज़ुब का शिकार था, वो दिल का बोझ हल्का करने आया था, और तू उसे अपनी नौकरी दिखा रहा था। तू उसे सिर्फ मुंह बंद करके सुन लेता ना। पर कई बार हमारे दिलो दिमाग में इतना शोर होता है ना, कि हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ सुना जाए। वो ऐसे वक्त में अगर विक्टिम को सिर्फ सुन लिया जाए ना, तो वो कभी भी इतना शदीद फैसला नहीं करेगा। अगर आपके साथ कभी ऐसी ज़हनी कैफियत हो, तो किसी अपने से बात कीजिए, अपने अंदर का शोर बाहर निकालिए, ना कि अपनी जान लेने जैसा शदीद फैसला कीजिए। अगर आपको हमारा ये पैगाम पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओ इधर, इसे ले चलो थाने, इसी बात ही तो निकालें। जी सर जी। अच्छा, हम 2 साल से साथ थे, उसने 2 सेकंड ही लगाए बाय कहने में यार। मैं दोबारा दो यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है यार। फिर मुंह खोल रहे थे।